अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे नमकीन गोश्त। बहुत से लोग बहुत ही अलग अलग तरीके से इसको बनाते हैं, लेकिन हम इस तरह से बनाएंगे। बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार हो जाता है। तो चले अभी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कुकर ले लिया है और मैंने 500 ग्राम्स यहाँ पर गोश्त लिया है। गोश्त को मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया था, हड्डी का गोश्त लिया है। यहाँ पर हम एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे और इसको रफली चॉप कर लेंगे। 4 से 5 हरी मिर्चों को डालेंगे और थोड़े से धनिया पत्ते को इस तरह से कट कर कर डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे, आप आपके टेस्ट के हिसाब से भी नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। अभी हम सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप भी इस तरह से बनाकर देखें, बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और कैसी लगती है मेरी रेसिपीज आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 गिलास जितना पानी डाला है। गोश्त के ऊपर आने तक हम पानी इसको डाल लेंगे, क्योंकि हमने इसको अच्छे से पकाना है, गलाना है गोश्त को। तो हम इसको मीडियम फ्लेम में रखकर 5 से 6 सीटी लगा लेंगे ढक कर के। तो यहाँ पर देखें, अभी ये बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अभी आप इस तरह से बनाकर देखें और मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और बहुत अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।